और इसके बाद टीम इंडिया को साउथ अफ्रीका का टूर करना होगा, जहां पर 3 टेस्ट मैच, 3 वनडे मैच और 4 T20 इंटरनेशनल मैच खेले जाएंगे। और दोस्तों इसके लिए भी सिलेक्टर्स ने इंडिया की ए टीम की अनाउंसमेंट कर दी है। दोस्तों आपको बता दें कि इस सीरीज के बाद ही बेस्ट प्लेयर को इंडिया की मेन टीम के लिए चुना जाएगा। साउथ अफ्रीका में होने वाली इस सीरीज में सिलेक्टर्स ने कई युवा खिलाड़ियों को चुना है जो कि फ्यूचर में टीम इंडिया के साथ खेल सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रिकेट लाइन गुरु के न्यूज जंक्शन में, आपके साथ मैं हूं प्रियंका। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं साउथ अफ्रीका और इंडिया के बीच होने वाली सीरीज के स्केड्यूल के बारे में, साथ ही युवा खिलाड़ियों के बारे में, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। इसी के साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि क्रिकेट से जुड़ी तमाम अपडेट्स आप सभी तक पहुंचते रहे। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अब आगे और बताते हैं उन सभी खिलाड़ियों के बारे में। दोस्तों हम जिस खिलाड़ी के बारे में बात कर रहे हैं वो मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह से भी ज्यादा खतरनाक बॉलर है और इस धाकड़ खिलाड़ी का नाम है उमरान मलिक। जी हाँ दोस्तों, सिलेक्टर्स ने आईपीएल में कमाल दिखा चुके जम्मू और कश्मीर के धाकड़ गेंदबाज उमरान मलिक को साउथ अफ्रीका टूर के लिए इंडिया ए की टीम में सिलेक्ट किया है और इसी टीम से बेस्ट प्लेयर को इंडिया की मेन टीम के साथ जुड़ने का भी मौका मिलेगा। बता दें कि उमरान मलिक 150 kmph से भी ज्यादा की स्पीड से बॉल फेंकते हैं और आईपीएल 2021 सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेलते हुए उमरान ने धूम मचा दी थी। दोस्तों उमरान ने अभी तक एक भी फर्स्ट क्लास मैच नहीं खेला है। उमरान के पास एक लिस्ट ए और R20 मैच खेलने का एक्सपीरियंस है। तो दोस्तों आपको ये भी बता दें कि इंडिया ए को 3 मैच साउथ अफ्रीका के खिलाफ ब्लूमफ़ॉन्टेन में खेलने हैं और इन मैचों में उमरान अगर अच्छा परफॉर्म करते हैं तो अगले साल आईपीएल मेगा ऑक्शन में उन पर बड़ी बोली लग सकती है। चलिए अब आपको बताते हैं साउथ अफ्रीका टूर के लिए इंडिया ए टीम में किन किन खिलाड़ियों को सिलेक्ट किया गया है। तो सबसे पहला नाम आता है प्रियांक पांचाल का जो की टीम के कैप्टन होंगे। फिर है पृथ्वी शो, अभिमन्यु ईश्वरन, देवदत्त पड़ेकर, सरफराज खान, बाबा अपराजित, उपेंद्र यादव जो की विकेट कीपर है, के गौतम, राहुल चाहर, सौरभ कुमार, नवदीप सैनी, उमरान मलिक, ईशान कोरे, अर्जुन नागवास वाला है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं साउथ अफ्रीका और इंडिया के बीच होने वाली सीरीज के स्केड्यूल के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहला टेस्ट मैच दोनों टीम्स के बीच में 17 दिसंबर से 21 दिसंबर तक जोहानिसबर्ग में खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट मैच 26 दिसंबर से 30 दिसंबर तक सेंचुरियन में। तीसरा टेस्ट मैच 3 जनवरी से 7 जनवरी तक केप टाउन में खेला जाएगा। अब बात करते हैं वनडे मैच के बारे में। तो पहला वनडे मैच 11 जनवरी को पाली में खेला जाएगा, दूसरा वनडे मैच 14 जनवरी को केप टाउन में, तीसरा वनडे 16 जनवरी को फिर से केप टाउन में खेला जाएगा। अब आ जाते हैं T20 मैच पर। तो सबसे पहला T20 मैच 19 जनवरी को केप टाउन में खेला जाएगा, दूसरा T20 मैच 21 जनवरी को फिर से केप टाउन में खेला जाएगा, दूसरा T20 मैच 21 जनवरी को फिर केप टाउन में खेला जाएगा, तीसरा T20 इंटरनेशनल मैच 23 जनवरी को फिर से केप टाउन में खेला जाएगा और आखिरी और चौथा T20 मैच 26 जनवरी को पाली में खेला जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको साउथ अफ्रीका के लिए सिलेक्ट की गई इंडिया ए टीम के बारे में और इस सीरीज के स्केड्यूल के बारे में बताया, साथ ही बेहतरीन बॉलर उमरान के बारे में भी। तो दोस्तों फटाफट से कमेंट सेक्शन में जाइए और हमें ये बताइए कि क्या आपको लगता है कि उमरान मलिक को इंडिया की मेन टीम में होना चाहिए, क्या वो वाकई में फ्यूचर में टीम इंडिया के साथ खेलते हुए नजर आने वाले हैं। वेल इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर हाजिर होंगे क्रिकेट से जुड़ी तमाम अपडेट्स के साथ। तक आप देख रहे हैं क्रिकेट लाइन न्यूज़, सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग। क्रिकेट की तमाम लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें क्रिकेट लाइन गुरु चैनल को और बेल आइकन प्रेस करें जिससे आप किसी भी वीडियो को मिस ना करें। ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम फॉर क्विक अपडेट्स।